सो ही व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक इन अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस तुम लोग सोच रहे हो भाई अभी मैं कहाँ घुस गया, मतलब भाई कहाँ लिटरली यार। तो भाई ये है अपना एक्सपी फार्म एंड तुम लोगों को सुन के बहुत ज़्यादा मतलब झटका सा लग जाएगा भाई। इतना लंबा एक्सपी फार्म बनाया ना मैंने भाई, मतलब मुझे इसके अंदर भाई 6 घंटे लगे। एंड देखो भाई आसमान की ऊंचाइयों के अंदर भाई मैंने बना रखा है। एंड ये तो कुछ भी नहीं भाई, ये देखो और भी ऊपर है भाई ये। तो भाई सबको समझाओ कैसे बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया, जल्दी फटाफट आ जाओ यार। सो गाइस अभी पहले मैं वहाँ पे बात करने से पहले यहाँ पे एक काम करता हूँ, तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई ये है अपना फार्म, वीट फार्म जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया था। ढंग से काम नहीं करता बट अभी ये ढंग से काम कर रहा है, मतलब बिल्कुल भाई मज़ेदारी हो चुकी है भाई। ये देखो यहाँ पे मैंने बटन दबाया, जितनी भी क्रॉप्स है भाई अपने, मतलब आलू वालू यहाँ पे वीट भाई सब चीज़ नीचे पहुँच चुकी है। मैं तुम्हें एक मिनट दिखाता हूँ भाई नीचे जाती, देखो भाई ये यहाँ से यहाँ चीज आएगी। नीचे मैंने हॉपर लगा रखा है, हॉपर से होते भाई सीधे चेस्ट में आ जाएगी भाई। ये देखो भाई बढ़ रहे हैं यहाँ पे, देखो भाई मतलब देख रहे हो भाई तुम लोग भाई का दिमाग। अब भाई मैं कुछ नहीं करना यहाँ पे, बस मैं क्रॉप लगानी है। और मैं सोच रहा हूँ भाई क्रॉप के लिए भी ना आप लोग एक बंदे को असाइन कर देंगे यहाँ पे, मतलब किसी विलेजर को। तो उस चीज़ के लिए तुमने मेरे को बताया नहीं यार, मेरे को भी समझ में नहीं आया, मैंने भी ढूंढा नहीं। लेकिन यार मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा भाई, कहीं ना कहीं से मतलब मेरे को मिल जाए ना, अगर वो चीज़ पता लग जाए मतलब, तो फिर हमें मतलब काम हमारा और भी आसान हो जाएगा। क्योंकि भाई फिर हम लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, हम लोग फिर सिर्फ एक बंदे को असाइन करेंगे और भाई वहाँ से वो बंदा आएगा और भाई काम करने लग जाएगा और हमको सिर्फ बटन दबा के क्रॉप व्रॉप ले लेनी है, समझ लो। अब एक काम करता हूँ भाई, मेरे को थोड़ी सी लकड़ी की ज़रूरत है क्योंकि यार मैं ऊपर जाना, तो मेरे को ना ऊपर चेस्ट की ज़रूरत पड़ने वाली शायद। तो और मेरे पास लकड़ी भाई बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं काम करता हूँ भाई यहाँ से लेके निकलते हैं भाई, ज़्यादा देर लगेगी नहीं। यहाँ से मैंने चेस्ट बना लिया है, मतलब थोड़ा बहुत ब्लॉक ले लिए हैं भाई, ऊपर जाके चेस्ट बना ही लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, तो तुम लोगों को मैं ऊपर का नज़ारा दिखाता हूँ, इसको बंद कर देता भाई। ऊपर भाई ये देखो एक्सपी फार्म कितना बड़ा भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपी फार्म है। क्योंकि भाई मैंने सुना था कि एक्सपी फार्म जितना ऊपर होगा ना भाई उतने ज़्यादा हम लोग को जॉम्बीज मिलने वाले हैं, जितने ज़्यादा जॉम्बीज मिलेंगे उतनी ज़्यादा भाई एक्सपी होने वाली है अल्टीमेटली। तो समझ रहे हो भाई गणित अपने भाई का। तो भाई बहुत ज़्यादा वैसे मेरे को लग रहा है मैंने काफ़ी लंबा बना दिया, क्योंकि यार ये इतना लंबा बन गया ना भाई, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम भी लगता है। एंड गाइस तुम लोग सोच रहे हो भाई यहाँ से मैं ऊपर तो आने के लिए इतनी जल्दी आ जाऊँगा बट नीचे कैसे जाऊँगा, क्योंकि भाई सीढ़ी लगाना तो भाई पॉसिबल नहीं है। नहीं इतना लंबा भी नहीं भाई, इससे भी और ज़्यादा लंबा। देखो भाई यहाँ के बाद भी ये इतना ही और ऊपर है। एंड तुम लोग अगर चाहते हो भाई मेरे को, मतलब तुम लोग अगर चाहते हो ना भाई मैं तुमको ढंग से दिखाऊँ, मतलब पूरा ऊपर आके दिखा के फिर पूरा एकदम ठीक से दिखाऊँ भाई वीडियो में, तो भाई नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। एंड हाँ यार अगर तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे नहीं भाई मैं नहीं करूँगा। आज कल तुम लोगों के कमेंट बिल्कुल भी नहीं आ रहेगा, बिल्कुल भी लिटरली। यहाँ पे मैंने बना दिया भाई एक रिपेयर्ड या फिर डी इंचेंटमेंट बोल सकते हो भाई, यहाँ पर जितने भी मेरे सामान मतलब इंचेंटेड भाई उसको मैं डी इंचेंट कर सकता हूँ। एंड तुम लोग सोच रहे हो भाई इसका क्या फायदा होगा, मतलब भाई कोई अपने इंचेंटमेंट को डी इंचेंट करेगा ही क्यों, मतलब समझ लो। लेकिन भाई अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ भाई क्यों करूँगा। एक्चुअली गाइस तुमको पता है भाई यहाँ पे हमारे पास मतलब अभी एक्सपी की कोई दिक्कत है नहीं भाई, अपने पास एक्सपी भर भर के, ठीक है। तो भाई हम लोग यहाँ पे जितनी भी इंचेंटमेंट करेंगे भाई हम लोग को दिक्कत होने वाली नहीं है एक्सपी से रिलेटेड, क्योंकि एक्सपी तो भाई अपने पास बहुत है। एंड दूसरी चीज़ भाई अभी मैं थोड़े खुंदक में हूँ, मतलब मेरे को भाई एक चीज़ है जो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उससे मेरा दिमाग खराब हो चुका है। तो उससे बचने के लिए भाई मैंने यहाँ पे ना इन बंदों को मारने के लिए आ गया हूँ, जिससे कि भाई मेरा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ ये भाई जो ये अपना ये भाई इंचेंट करने के लिए हमको यूज़ होते हैं भाई, ये भी अपने पास काफ़ी है, तो भाई दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, ये मेरे को मिलते भी रहते हैं। तो हाँ गाइस इनको सूटता हूँ मैं यहाँ पे, निकल भाई। तो गाइस नीचे आप एक बार एक्सपी पे नज़र मारो भाई, अपना एक्सपी फार्म इतना शानदार है, मतलब मेरे ख्याल से भाई किसी और का एक्सपी फार्म इतना शानदार होगा नहीं। मतलब मैंने वैसे किसी और का ज़्यादातर यूट्यूबर्स का एक्सपी फार्म देखा नहीं है गाइस, लेकिन अपना एक्सपी फार्म बहुत औसम है भाई। किसी का तो भाई मेरे ख्याल से एक्सपी फार्म काम ही नहीं करता भाई, लेकिन अपना एक्सपी फार्म कमी से काम कर रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो भाई मतलब कितनी सही भाई देखो भाई कितनी सही भाई, अपने यहाँ पे एक्सपी नीचे बढ़ रही है। तो भाई ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी है, मतलब अपने एक्सपी फार्म में ये चीज़ बहुत ज़्यादा सही है कि अपनी एक्सपी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है एंड अपने को इतनी ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। अब मैंने भाई यहाँ पे साइड में थोड़े चेस्ट लगाते हैं, तो मैं सोच रहे भाई चेस्ट वेस्ट का क्या करेंगे भाई। तो देखो भाई सिंपल फंडा ये है भाई, मैंने जो सोचा वो ये है, मैंने यहाँ पे यार डी इंचेंटमेंट लगा रखा है बीच में भाई, मैंने इंचेंटिंग का सीन लगा रखा है, पीछे लाइब्रेरी बना रखी है पूरी ढंग से। एंड इस साइड में भाई मैंने यहाँ पे चेस्ट वगैरह बना रखा है, तो भाई चक्कर ये मैंने यहाँ पे समझना भाई अलग अलग चीज़ें भर रखी है, जैसे कि हमें कोई भी जरूरत होगी ना भाई यहाँ से ले लेंगे। एंड अब मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ फ्यूचर के अंदर मैं क्या करने लगा, यहाँ से कुछ ऐसा हम लोग जुगाड़ सोचेंगे भाई यहाँ से सीधे सामान नीचे ट्रांसफर हो जाए, एंड वो चीज़ ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली भाई मेरे को। लेकिन एक ट्रैक बनाना पड़ेगा, मतलब ट्रेन मेरे को एकदम ट्रेन से ट्रैक मेरे को पूरा बनाना पड़ेगा यहाँ से लेकर नीचे तक, एंड वो चीज़ काफ़ी लंबी और काफ़ी मतलब बोरिंग हो जाएगी या फिर काफ़ी मतलब उसमें टाइम लगने वाला है। तो वो चीज़ मैं सोच रहा हूँ भाई बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि भाई ये जो मटेरियल वो भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं भाई मेन मुद्दे पर कि मेरा दिमाग खराब क्यों था, मैं इनको क्यों सोच रहा हूँ भाई। एक्चुअली में बात ये हुई कि कल मैंने पूरी वीडियो बनाई थी, डिटेल्ड वीडियो मतलब पूरा समझाया था, लेकिन यार वो वीडियो डिलीट हो गई। Guys, I'm really, really. Video delete हो गई guys.
मतलब सच में भाई हद है यार। मतलब भाई 5-6 घंटे मैंने पूरा एक्सपी फॉर्म बनाया था यार, इतना टाइम लगा था भाई, यानी वीडियो डिलीट हो गई भाई। मतलब क्या क्या चाहता है भाई उससे। बट कोई नहीं गाइस, अब तुम लोग अगर चाहोगे ना भाई, देखो यार इसके अंदर एसपी फॉर्म के अंदर कुछ नहीं है। मतलब वैसे भी अगर मैं वीडियो मैंने जो बनाई थी ना भाई, वो थोड़ी सी बोरिंग हो गई थी बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी। एंड मैंने उसको क्रॉप कर करके, मतलब मेरे ख्याल से उसको ट्रिम करके मैंने 13-14 मिनट की बना दी थी। बट उसके अंदर कुछ नहीं था, मैंने फास्ट मोशन के अंदर पीछे गाना लगा रखा था और भी पूरा बनाया था। तो तुम लोगों अगर चाहिए, मतलब तुम लोगों को ढंग से देखना है ना भाई एसपी फॉर्म मैंने कैसे बनाया। तो भाई नॉर्मल एसपी फॉर्म कुछ नहीं बनाया, यहाँ पे मैंने एकदम सिंपल टनल बनाया। एंड ऊपर भाई ऊपर का थोड़ा सा एरिया जो है ना, वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा उसके अंदर दिमाग लगने वाला, अपना IQ यूज होगा उसके अंदर गाइस। तो तुम लोग चिंता मत करो भाई, अपना IQ तुम्हारा भाई तुमको दे देगा यार, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है भाई मैं तुमको सिखा दूंगा भाई कैसे क्या होना है। तुम लोग अगर चाहते हो तो भाई तुम लोगों को कुछ नहीं करना भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है कि ऐसे से बात है, एंड मैं भाई फुल चौड़ में तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है। सो अभी भाई एक काम करते हैं, अभी के लिए गाइस मैं तुमको थोड़ा सा सामान वामान लूट लेता हूँ, बाकी भाई अपनी इंचेंटमेंट जो है उसको थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। मतलब क्योंकि तुम्हें पता है भाई अपनी इंचेंटमेंट ढंग से हो जाएगी ना, उसके बाद अपन लोग फुल चौड़ में भाई जाया करेंगे, मॉब फॉर ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी से लड़ा करेंगे। क्योंकि अभी तो अपनी भाई हालत ख़राब होती है, अभी तो भाई अपनी फटती है, क्योंकि भाई ज़ॉम्बीज़ वगैरह भाई तमीज़ से वो कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये गाइस, मेरे को यहाँ पे ना इंचेंटेड सामान मिलेगा ना, मतलब ज़ॉम्बीज़ भी कभी इंचेंटेड सामान लेकर घूमते हैं भाई, अमीर अमीर ज़ॉम्बीज़ होते हैं भाई, उनका सामान मैं यहाँ से डी इंचेंट करूँगा तो भाई मेरे को एक्सपी मिलेगी। इतनी एक्सपी नहीं मिलेगी लेकिन फिर भी मिलेगी यार। लेकिन अभी एक्सपी का भाई अपने पास भाई, ये देखो भाई कितनी एक्सपी बढ़ रही है भाई, कसम से भाई गजब जुगाड़ किया भाई हम लोगों ने। ओके गाइज, तो अभी मैं यार मैं एक काम करता हूँ भाई, यहाँ से ना कुछ मतलब इंचेंटमेंट का मुझे ढंग से लग नहीं रहा भाई। चक्कर ये ना, मैं ना इंचेंटमेंट का ये सोच रहा हूँ भाई, यहाँ से हम लोग इंचेंटमेंट करा करेंगे, एंड अगर मेरे को अच्छा नहीं लगा कुछ, या फिर ऐसा होता है ना कई बार हम लोग इंचेंटमेंट लगाते हैं तो कुछ हमें एकदम एक्स्ट्रा ऑफर में कुछ और नया मिल जाता है। तो इसलिए गाइज मैंने इंचेंटमेंट का सामान बराबर रखा हुआ है डी इंचेंटमेंट का, क्योंकि अगर हमको नहीं मिला तो भाई हमको डी इंचेंट कर सकते हैं उस चीज़ को, एंड एक्सपी की तो दिक्कत है ही नहीं भाई। मैं यार इस चीज़ को बहुत बार बोल चुका हूँ कसम से, लेकिन यार एक्सपी की दिक्कत है नहीं भाई, देख रहे हो भाई तुम लोग। मैंने एक्सपी तो ऐसे भाई 30 कम, अभी देखो 29.5 होने आया भाई, अभी 3 इंजेंटमेंट कम हुई थी। ओ भाई ये देखो भाई और इंजेंटमेंट लग गई। तो मैं साफ सोच रहा हूँ भाई कुछ ना कुछ इंटेंट कर ही लेते हैं यहाँ से। वैसे भी मैंने आर्मर थोड़ा बहुत इंटेंट कर लिया है, मतलब उसको मैंने शो नहीं कर पाया, एंड यहाँ पे मैंने अपनी जो है मतलब करते हैं भाई सीन, दिक्कत कोई नहीं है भाई, तुम्हारे सामने भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे काफ़ी इंटेंटमेंट यहाँ पे कर लिए मैंने, अभी काम करते गाइस यहाँ पे लग चुका है। मेरे ख्याल से आज मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है भाई, फिर भी ठीक ठाक ही है। मतलब ये देखो इंटेंटमेंट मेरी, तो मेरे पास मेरे 4 लेवल के भी कुछ कुछ आ गए, कुछ कुछ 3 लेवल के आ गए। तो ठीक है भाई, स्टार्टिंग में इतना ही मिलेगा, धीरे धीरे करके 5th लेवल पे पहुंचेंगे हम लोग। बट अभी काम करते हैं यहाँ से नीचे पहुंचते हैं। तुम लोग सोच रहे हैं भाई यहाँ से नीचे कैसे पहुंचना है, मतलब भाई ऊपर तो पहुंच गया बट नीचे कैसे पहुंचेगा भाई, दिखाता हूँ भाई अभी दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पे हमने थोड़ा सा जुगाड़ बनाया, अपना दिमाग लगाया भाई। तो भाई नीचे आने के लिए हम लोग कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पे जंप कर देना, मैंने स्विमिंग पूल बना दिया अपना, और भाई सिंपल शॉर्टकट यही है यार, दिमाग लगाओ भाई। मतलब यहाँ पे अगर मैं सीढ़ी लगाना तो पॉसिबल था ही नहीं भाई, इतना ऊपर भाई सीढ़ी से कौन जाएगा भाई। मतलब लिटरली हमारे सामने जो है ना वो इसका 1/4 होगा, मेरे ख्याल से 1/4 या 1/6 होगा ये सामने जो भाई ये। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई इसके ऊपर चढ़ने हमें कितना। ओ भाई मुझे ये बताओ भाई बारिश में ये कैसे जल रही है भाई, माइनक्राफ्ट के अंदर कुछ भी पॉसिबल है भाई। बारिश के अंदर हमारी मशाल जल रही है, मशाल बुझ नहीं रही है, वो अच्छी बात है यार। लेकिन मतलब ये तो अच्छी बात है भाई, अपनी मशाल बुझ नहीं रही, मतलब बुझ जाती तो भाई दिक्कत ही होती भाई, मेरे को फिर लैंटर वगैरह बनानी पड़ती। ओके कोई नहीं भाई, मैं ये भाई लिटरली इसका 1/4 या फिर 1/6 होगा भाई। ये देखो भाई इसके अंदर हमें इतना टाइम लगता है भाई चढ़ने के लिए, तो ये सोचो भाई वो देखो भाई कितना ऊपर है भाई, उसमें चढ़ने में कितना टाइम लगता है भाई। एंड हाँ यार एक गुड न्यूज़ और भाई इस वीडियो के अंदर, ये वो गुड न्यूज़ ये है भाई कि हमारा जो आयरन फार्म भाई ऑलरेडी भाई ठीक हो चुका है। अब अपने आप ठीक नहीं हुआ भाई, मैंने उसके अंदर थोड़े चेंजेस किए। देखो ऊपर भाई मैंने फैंस वगैरह लगा रखे हैं, दीवार जो थी मतलब जो वॉल थी भाई उसको तोड़ के मैंने फैंस वगैरह यूज़ किए हैं। तो भाई तुम्हारे में भी अगर ये प्रॉब्लम मतलब अभी शॉर्ट सॉर्ट आउट नहीं हो रही, मतलब तुम्हारे अंदर भी तुम्हारे फार्म के अंदर भी ये प्रॉब्लम अराइज करती है, अगर तुम मेरे वीडियो को देख के बनाते हो तो भाई साइड की वॉल हटा के ना, मतलब वॉल हटा के तुम लोगों को कुछ नहीं करना भाई, फैंस लगा देने हैं ठीक है नॉर्मल, एंड भाई सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये भाई अपना जो चिकन फार्म है भाई वो भी ऑलरेडी अच्छे से वर्क कर रहा है, ये मुझे मतलब भाई इसके अंदर मैंने कोई चेंजेस किए नहीं भाई, अपने आप ठीक से वर्क करने लगा। तो वही है भाई तुम लोगों को ना स्टार्टिंग में वो करना चाहिए, और भाई ये तो अपना आराम से वर्क कर ही रहा है। ओके भाई इसको बंद कर देते हैं, और ये भी भाई अपना पूरा ढंग से काम कर रहा है, सब चीज़ भाई एकदम परफेक्ट। यार बेइज्जती करानी है भाई क्या यार, हद है भाई। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है।
भाई मेरी जिंदगी जेठालाल की जिंदगी एकदम सेम है। सही बता रहा हूँ भाई, जेठालाल की जिंदगी में भाई आराम नहीं है भाई, मेरी जिंदगी में भी आराम नहीं है। लेकिन यार हमारे पास दिमाग है एंड IQ है, तो भाई मैंने जितना सोचा है भाई वो ये है कि जो करंट है ना भाई, इसका जो करंट फ्लो, तुम लोगों को पता है जो डस्ट है ना भाई, वो मतलब एक तरीके से वायर का काम करती है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ से मतलब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। एंड बीच में जो ये रिपीटर वगैरह भाई, वो करंट को बस बढ़ाते हैं, क्योंकि भाई तुम्हें को पता है भाई करंट कहीं से ही, मतलब हम माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग यहाँ से अगर कहीं बहुत दूर की तरफ अगर करंट पास करते भाई इतना दूर नहीं जाता, लिमिटेड कुछ मतलब कुछ लेंथ है भाई वहीं तक पहुँचता है। तो बीच में भाई, बीच में हम लोग जब भी बटन दबाते हैं भाई, बीच का पानी मतलब बंद नहीं होता, वो चलते रहता है। इसका मतलब ये है भाई कहीं ना कहीं कि करंट बीच तक पहुँच ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो मैंने भाई इसको चेंज कर दिया, अब चेक करते हैं भाई ये काम कर रहा है या नहीं। तो आई गेस ये काम कर रहा है, ओके एक बार और भाई टेस्ट करते हैं। एंड भाई कम कसम से भाई काम कर जी, इसे मजा आ जाएगा भाई। ओके भाई लास्ट मोमेंट ट्राई कर, कम ऑन ये। फाइनली भाई अपना तीनों फार्म, मतलब कि अपना वीट फार्म, अपना आयरन फार्म, अपना चिकन फार्म, भाई ठीक से XP फार्म इंक्लूड करना भूल गया भाई, कितना खदेड़ा हूँ भाई मैं। अपना XP फार्म में तो अच्छे से वर्क कर रहा है भाई, मजा आ गया भाई। अपने पास अभी फाइनली 4 फार्म हो चुके हैं, मतलब अपन लोग रईस हो चुके हैं भाई, हम लोग रईस हो चुके हैं, हम लोग गरीब नहीं है भाई, अब रईस है भाई हमारे पास। देखो भाई क्रॉप की कोई कमी नहीं है। एंड अभी भाई नीचे मैं जाऊंगा भाई, बंदे अपने भूखे होंगे, मुझे पता है बंदे भूखे होंगे अपने, मतलब अपने जो विलेजर्स हैं भाई वो भूखे होंगे, ठीक है। विलेजर्स नहीं कहूंगा मैं, अपनी फैमिली कहूंगा, उन लोगों को भाई अपनी फैमिली है वो, ज्यादा नहीं हो गया। ओके गाइस एक चीज भाई, मैं एक काम करता हूँ भाई, दूसरी क्रॉप ऊपर लगा देता हूँ, मतलब हमारे पास, हम लोग भाई रईस लोग हैं, तो भाई हम लोग ना एक क्रॉप नहीं खाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, हम लोग मिक्स मतलब अलग अलग फ्लेवर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, आलू ले आता हूँ, आलू काफ़ी है मेरे पास। एंड आलू के अलावा बहुत डिशेज़ हैं मेरे ख्याल से, हमें ना और डिशेज़ मतलब ढूंढनी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से विलेजेस वगैरह में मेरे को मिल सकती है, एंड बाकी शायद मेरे को चेस्ट के अंदर ही मिल सकती है। तो हम लोग ना विलेजेस वगैरह घूमने जाएंगे, अभी तो नहीं, एडवेंचर अपना एडवेंचर सीरीज भी स्टार्ट होगा, चिंता मत करो भाई। अभी अपना ना जो फार्म का मतलब जो अपने घर का मतलब क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरा मतलब भाई अपने जो घर का सीन भाई कंप्लीट हो चुका है। एंड मेरे ख्याल से मैं 2-3 एपिसोड के बाद भाई ड्रैगन से भिड़ने पहुँच जाऊँगा भाई, ड्रैगन के पास जो भी होगा भाई देखेंगे, लेकिन भाई मैं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि अभी अपने पास ना काफ़ी चावल मतलब मोस्टली भाई सब कुछ हो ही रखा है भाई, अपने पास ऑटोमेटिक फार्म, ये सब चीज़ भाई खाने पीने की दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चीज़ हो रखा है। अब मुझे करना ये है भाई, XP फार्म बन चुका है, अब मुझे करना ये है भाई, मैं जाऊँगा भाई ड्रैगन के पास, उससे पहले भाई इंचेंटमेंट करके अपना सामान वामान ढंग से कर लूँगा, मतलब आर्मर वार्मर पूरा इंचेंट होगा तब मज़ा आएगा। एंड दूसरी चीज़ भाई ये कि मेरा जो अभी ये फार्म है ना भाई, इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत भाई ज़्यादा बड़ी नहीं है, दिक्कत ये है भाई कि मैं जब नीचे होता हूँ ना भाई, तो नीचे से मेरे को ऊपर जाने के लिए भाई, नीचे से ऊपर जाने के लिए भाई मेरी क्रॉप खराब हो जाती है, एंड ऊपर से जब मैं नीचे आता हूँ भाई तभी मेरी क्रॉप खराब हो जाती है। तो उसके लिए सिंपल मैं सोच रहा हूँ भाई, साइड से ना सीढ़ी बना देते हैं या फिर मतलब कोई जुगाड़ रखते हैं कुछ ऐसी, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना भाई क्रॉप वगैरह को। ओके सो अभी इसके अंदर गाइस यहाँ पे ब्लू सिस्टम भाई, काफ़ी मेरे पास ना सामान जो है अनअरेंज्ड है, तो भाई इसको भी अरेंज करना है मुझे। एंड बारिश भाई सही है भाई, बारिश बहुत पड़ रही है, पेल के बारिश पड़ रही है, तो हम लोग को भाई बारिश पसंद है, हम लोग बाहर घूमते हैं। एंड हाँ यार मैं तुमको एक चीज़ दिखाना भूल गया भाई, हम जो अभी याद आई, हम लोगों ने जो इंचेंटमेंट लगाई ना भाई, उसको हम लोग टेस्ट करने बाहर चलते हैं, तो उसको पहले यहीं से सोचते हैं भाई। निकल भाई, ओ निकल भाई, अरे भाई कहाँ भग रहा है भाई, बच्चा रहा हमसे, ठीक है भाई। तुम लोगों को एक काम करता भाई, मैंने वैसे तुम्हारे सामने मतलब मैं अपनी जो टेस्टिंग है तुम्हारे सामने करने वाला हूँ, तो भाई मेरा पोपट भी हो सकता है, लेकिन यार मैं पोपट कराने तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को भरोसा है भाई अपनी इंचेंटमेंट पर। देखो भाई मैं कुछ नहीं कह रहा भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये देखो भाई भगत भग क्यों रहे हो भाई, आ जाओ बुलाओ सबको, बुलाओ सबको, बुलाओ अपने दोस्तों को बुलाओ। देखो भाई मैंने खून बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, मैंने कुछ नहीं करा यहाँ पे, लिटरली गाइस मैं कोई मोड यूज़ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई, मैंने इंचेंटमेंट जो है अपनी अच्छी कर ली है, मतलब तुम लोग मतलब तुम्हारे सामने करिए भाई अपना आर्मर वगैरह इंचेंटमेंट मतलब जो करती वो भी करिए, ठीक है गाइस। तो ओ भाई सब निकल निकल भाई, भाई ज़्यादा ऊपर चढ़ रहे भाई, मतलब एक खून का मर दिया मेरा, एक हर्ट कटा दिया भाई मेरा। ओ भाई कितने आ गए भाई, ये तो भाई इनको लग रहा भाई बंदा बहुत ही मतलब ऐसा ही है बंदा, कुछ नहीं कह रहा, तो उसे खा जो पकड़ के भाई, मुझे नहीं खा पाओगे तुम लोग भाई, डायमंड आर्मर पहना हुआ है भाई, स्वॉर्ड है हाथ में, क्या निकल भाई। ओ भाई मज़ा आ गया भाई, सबको मार दिया भाई, मतलब इतनी ताकत अपन को आज महसूस हुई है, सही बता रहा हूँ भाई, अपनी जो रियल ताकत है ना भाई मुझे आज महसूस हुई है, मतलब भाई कोई डॉगी नहीं अपने पास, कुछ भी नहीं, लाइक लिटरली गाइस कोई गॉलम नहीं, आयरन भाई हम लोग अकेले गए एंड इतने बंदों को सोच के आ गए हैं। सो भाई ताकत तो अपने पास काफ़ी है, लिटरली काफ़ी है। अभी मैं ऊपर जाता हूँ, थोड़ी सी इंचेंटमेंट और करता हूँ, क्योंकि मेरा दिल अभी भरा नहीं है, मतलब मुझे भाई प्रॉपर इंचेंटमेंट करनी है अब, तो भाई मतलब मज़ा आ गया भाई, इतनी कम इंचेंटमेंट में इतना मज़ा दे रही है। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ अगर मेरे सारे लेवल 5 पे हो गए ना भाई, तो मज़ा आ जाएगा।
तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ भाई, मैं ना यहाँ पे मतलब लगातार पेल के 2-3 घंटे भाई इंजेंटमेंट करते रहूँगा, तो तुम्हारे सामने चिंता मत करो गाइस, तुम्हारे सामने नहीं करूँगा। तुम लोगों को वीडियो बोरिंग नहीं मिलने वाली है, तुम लोगों को वीडियो जो मिले पूरी इंटरेस्टिंग मिलने वाली है। अगली वीडियो के अंदर भी कुछ ना कुछ धमाल करेंगे हम लोग। आज की वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो चुकी है गाइस, थैंक यू फॉर अभी तक तुम अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वन मोर थिंग यार, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल पर, और बाकी मैं लेटेस्ट वीडियो डालते रहता हूँ भाई, उन पर भी व्यूज दे दिया करो। 2000 years later. तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, एंड काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे मतलब इंचेंटमेंट की, बट तो कुछ मेरे ख्याल से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं समझे भाई, अपने जो फैदर फीटेड भाई, अपने जो जूते हैं भाई फैदर फीटेड हैं। मुझे लगा भाई तुम लोग देख के डर जाओगे, मतलब मुझे लगा भाई तुम लोग डर जाओगे भाई, नीचे कूदा है भाई बंदा मर जाएगा, लेकिन हमारे सिर्फ दो ही खून घटे। मतलब देख रहे हो भाई तुम लोग, अब चौड़ देखो भाई अपनी, सिर्फ दो खून घटे भाई, हम लोग वहाँ से कूद गए। तो बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, मेरे ख्याल से बहुत है आज की वीडियो में। बाकी गाइस चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड मिलते हैं भाई अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.